सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल किताब यूट्यूबर कैसे बने पार्ट 5। सो मेरा नाम सुमेर सिंह राजप्रोहित है और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने वीडियोस हिंदी में क्यों बनाने चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं मैं तो इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो व्हाई यू क्रिएट योर वीडियोस इन हिंदी, आपको अपने वीडियोस हिंदी में क्यों बनाने चाहिए और क्यों एमवी वेंटाई ने शुरुआत में पहले दो वीडियो इंग्लिश में बनाए थे, फिर उसने अपने वीडियोस काफ़ी वीडियोस हिंदी में बनाए और अब वो अपने जो इतना फेमस हो गया तो अब वीडियो इंग्लिश में भी बना रहा है और साथ में हिंदी भी टच कर रहा है। तो कुछ तो लॉजिक होगा ना कि ये चीज़ कैसे काम की, और ऐसे ही चीज़ें काम करती है। क्यों आपको वीडियो हिंदी में बनाना चाहिए मैं आपको बहुत अच्छे से प्रूव कर दूंगा। सिंपल सा है, मेरा एक दोस्त है जेसन, उसको मतलब इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स करके वो लोग थे, उनको मैंने उनके साथ मैं उनका काम बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा काम है, उनकी एडिटिंग, उनका वीडियो, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन उनके वीडियोस इंग्लिश में थे और वो मेरे को बोलता था सुमेर तेरे को पता है क्या, मैंने हर बंदे को बोला सब्सक्राइब करने को, इवन जहाँ पे मैं वड़ा पाव खाता हूँ रेगुलरली उनको भी बोला कि अरे ये मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। बोला यार चाहे तू वड़ा पाव जिधर खाता है उसको समझेगा थोड़ी कि तू वीडियो में क्या बना रहा है, अगर तेरे वीडियोस हिंदी में होते तो उसको समझते, उसके यहाँ पे जो भी लोग आते उसके बारे में बताता कि अपना ऐप पोड़ गया है, हरी वीडियो बनाता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको देखना तो हरी वीडियो है उसके, क्योंकि उसको समझा जो भी तूने एक्सप्लेन किया, लेकिन इंग्लिश उसको कहाँ समझ रही है मेरे भाई। और सिर्फ वही चीज़ नहीं है लुक, और यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देख मैं भी अगर कुछ वीडियो सिखाऊँ ये चीज़ में यूट्यूबर हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर सीरीज में आपको इंग्लिश में बता देता था, लेकिन देख पिक्चर ना इंग्लिश में भी समझ में आती है, लेकिन वही डब और हिंदी में हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक टच है ना यार, मेहनत नहीं है यार, बहुत आसान है, समझ आता है क्योंकि बचपन से वो भाषा सीखी है। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि नहीं यार मैंने तो इंग्लिश में मेरे वीडियो बनाए तो बहुत लोग स्टक हो गए, जिनके 200-300 सब्सक्राइबर है बढ़ नहीं रहे, तो इन 300 के साथ धोखा हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो 3,000-30,000 सब्सक्राइबर तेरे को आने वाले हैं इन फ्यूचर, उसके सामने ये 300 क्या है यार, सिंपल सी बात है यार, तो उनके साथ क्यों तू नुकसान दे रहा है, उनको क्यों तू धोखा दे रहा है इन 300 सब्सक्राइबर के लिए, जब तू ग्रो ही नहीं कर पा रहा तेरा इंग्लिश 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 इंग्लिश। एक इंसान कैसे ग्रो करता है, मतलब एक आर्टिस्ट एक यूट्यूबर कैसे ग्रो करता है मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे, मतलब बंदा फेमस होता है ठीक है, लेकिन दूसरा मिथ हो गया कि आपको हिंदी में क्रिएट क्यों करने हैं, उसके लिए मत स्टक हो जाओ कि अरे मैं तो इंटरनेशनल वीडियो बनाऊंगा हिंदी में, थोड़ी पागल है तो इनफॉर्मल है, नहीं इतना क्लियर हो गया क्यों करना है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, अब जब भी समझेगा अब बोर्ड पे बताओ तब। देखो एक सिंपल सा आर्टिस्ट हो यूट्यूबर हो वह कैसे ग्रो करता है मैं बताता हूँ, सबसे पहले वो कुछ वीडियो बनाता है वो अपने लोगों को बताता है, फॉर एग्जांपल आपने हिंदी में वीडियो बनाया और अपने लोगों को बताया अपने एरिया में अपने बिल्डिंग में, फॉर एग्जांपल मैं नाला सोपारा में रहता हूँ, तो मैंने नाला सोपारा के लोगों को मैंने बताया कि मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं अपने लोकल एरिया में फेमस हुआ, फिर मैं वसई विरार में फेमस हो जाऊंगा। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा और बढ़ रहा हूँ, मैं अपने सिटी में हुआ, मैं फिर अपने थोड़ा और बड़े एरिया में फेमस हो गया, पहले एरिया में हो गया फिर मैं सिटी में फेमस हुआ, फिर मैं अगर वसई विरार में फेमस हो गया तो इन फ्यूचर मेरा काम बहुत अच्छा है तो मैं मुंबई में फेमस हो जाऊँगा, फिर मैं मुंबई होने के बाद मैं महाराष्ट्र में फेमस हो जाऊँगा, फिर मैं पूरे इंडिया में फेमस हो जाऊँगा, और इसके बाद आप इंटरनेशनल जा सकते हो कि मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊँगा। लोग क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट उड़ी मारना चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो इंटरनेशनल फेमस होना है, मेरे को बाहर की जनता देखनी चाहिए, कैसे देखेगी तेरे को बाहर की जनता जब तेरे को अपने लोग नहीं पहचानते। एमवी वेंटाई क्या किया, पहले अपने लोगों में फेमस हुआ, पहले इंग्लिश के दो वीडियो बनाया, बोला नहीं मैन मेरे को लोकल स्लैंग ज़्यादा अच्छी है, समझ रहे, मैं एक एग्जांपल क्यों ले रहा क्योंकि दैट थिंग हैपन। फिर उसने क्या किया, वो पहले अपने एरिया में फेमस हुआ, सिटी में फेमस हुआ, स्टेट में फेमस हुआ, पूरे कंट्री में फेमस हुआ, अब बाहर वाले लोग अपना रिएक्शन बना रहे हैं एमवी बंटे के नए गाने पर, यो ये सही है ऐसा है वैसा है, क्यों, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है और अच्छा कर रहा है, अब उसके वीडियो में इंग्लिश गाने इंग्लिश भी है एंड दैट्स टोटली फाइन। तो आप जब बहुत फेमस हो जाओगे तब आप इंग्लिश करो ना, अभी तो शुरुआत में तो हिंदी करो ताकि अपने लोगों को तो समझे वो बात, और तब जब देखोगे तो तब तो चलेगी भी बात, अभी से इंग्लिश करोगे तो समझेगा ही नहीं तो क्या फेमस होएगा। ये मेरा लॉजिक है जो मेरे को लगता है कि आपको शुरुआत में अपना जो वीडियो है ना वो अपने लोगों को समझाने के लिए बनाना चाहिए, समझ रहे हो, तो पहला वीडियो बनाओगे जो आजू बाजू जिसको भी देखो उसको समझ आए, मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अगर आप राजस्थान में तो मैं तो बोलूंगा कि मारवाड़ी में वीडियो बनाओ मेरे लिए कि हे फ्रेंड्स मारू नाम सुमेर है ने आज मुझे हिकव ला के यूट्यूबर की कर बननू है, यू गॉट मी, लोकल फिर सिटी फिर स्टेट फिर कंट्री फिर इंटरनेशनल जाओ यार, और रुको मत 200-300 लोगों के लिए,
और अभी मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश में बनाने की भी जरूरत नहीं। इंडिया की आबादी 125 करोड़, बहुत टाइम पहले से बोल रहे हैं, अभी तो 140 करोड़ या 150 करोड़ होगी। इतने लोग है, जियो है, इतना फ्री इंटरनेट है, कितने लोग, अरे इंडिया में इतना समा नहीं पाओगे यार, इतने लोग आपका वीडियो देखोगे, बाहर की तो जरूरत भी नहीं है अपने को अभी तो। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टार्ट इन योर हिंदी, स्टार्ट इन योर लोकल लैंग्वेज, वो एक मूवमेंट पे आ जाएगा जब आपको लग रहा है कि हाँ दूसरे लोग भी मेरे वीडियो, दूसरे लोग तक भी मेरी वीडियो रीच हो रहे, पहले अपने लोगों तक हो रहे, फिर बाहर तक मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में बनाऊँ, तो बनाना भाई, कौन देखो मना कर रहा है। लेकिन शुरुआत में पहले लोकल ग्रो कर, तो यहाँ से फिर तू अच्छा सब्सक्राइबर ग्रो कर पाएगा, अच्छे व्यूज ला पाएगा, अच्छे लाइक्स और कमेंट ला पाएगा, क्योंकि अपना लोकल लैंग्वेज जल्दी से फटाक से समझता है। भी जो तू पहले से है, बचपन से है, वो बनना है। सो ये था आज का वीडियो, और ये मैं बहुत पहले से एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन ये यूट्यूबर सीरीज की, हाउ टू बिकम यूट्यूबर सीरीज की वजह से मैं बता पा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, मैं 5-6 वीडियो एक साथ कंटिन्यूस बनाया है, तो मेहनत देख रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है यार वीडियो बनाने में, वो समझाने में मजा आ रहा है, मेरे को आपको सिखाने को मजा आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, और बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो और शेयर करो सबको। शेयर करने के ना आपके पैसे लग रहे हैं, ना मेरे को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या लोगों तक वैल्यू तो जा रही है। आप इसी तरह से चैनल को देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, और आपको यूट्यूबर बनना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यूट्यूबर बना के रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको चाहते हो तो आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो यार, नीचे इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, सोशल किताब को फॉलो करो, हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करो, और इसी तरह से मचाते रहो मैं।